हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू मेथड व्हिच इज एक्सपेरिमेंटल मेथड और इन हिंदी वी से इट प्रयोगात्मक विधि ओके लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम डेफिनेशंस परिभाषाओं के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं इट इज़ अ मैथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस यानी कि प्रयोग उपकल्पना के परीक्षण करने की एक विधि है जिसमें हम परिकल्पना करते हैं हाइपोथेसिस इमेजिन uh, करते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ये रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे और uh, अगर हम अगली डेफिनेशन uh, को देखें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुली कंट्रोल कंडीशन यानी कि प्रयोग का मूल आधार निर्भर चरों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है इसमें जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है और इसका जो जितना भी इसका डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में व्याख्या की जाती है या इसको एनालाइज किया जाता है वो सब कुछ एक कंट्रोल्ड कंडीशन यानी कि नियंत्रित चर के ऊपर निर्भर करता है निर्भर चर जो होते हैं इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं उस पर यह निर्भर करता है एक्सपेरिमेंट इज मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग द हाइपोथीसिस वेयर बाय द कैजुअल रिलेशन्स बिटवीन टू फैक्ट्स इज स्टडीड दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है कैजुअल रिलेशन उसके बारे में इसको स्टडी किया जाता है जिस प्रकार आपने देखा होगा एक मेटल uh, की लैब में या केमिकल लैब में केमिकल्स को एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी तरह साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजिकल लैब में Uh, क्योंकि अभी uh, uh, so, uh, साइकोलॉजी uh, uh, को एजुकेशनल साइकोलॉजिकल को इज़ ऑल्सो कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियर साइकोलॉजी सो ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब को इस्टेब्लिश किया था और वहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया सो so, इसीलिए uh, इस एक्सपेरिमेंट्स में जो एक्सपेरिमेंट uh, किया जाता है वो हाइपोथेसिस बेस्ड रहता है यानी कि uh, पहले से ही उपकल्पना पर आधारित होता है आप इसमें इमेजिन करते हो इफ वी से इन सिंपल लैंग्वेज देन वी कैन से दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स स्टडी इज द एम ऑफ साइकोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल मेथड। मानवीय व्यवहार का अध्ययन ही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है जिसमें कि ह्यूमंस uh, के यानी मनुष्य के इंटरनल और एक्सटर्नल बाह्य एवं आंतरिक व्यवहारों को विभिन्न योग्यताओं क्षमताओं उनकी एबिलिटी उनकी कैपेबिलिटीज, उनके बिहेवियर या अदर मेंटल एक्टिविटीज़ अन्य मानसिक क्रियाओं के विषय में एक सर्टिन uh, और एक सर्टिफाइड और ट्रुथ या फिर नॉलेज गेन करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल विधि का प्रयोग करते हैं ऐसा इसकी सहायता लेते हैं इसकी सहायता से हमें किसी भी मनुष्य की इंटरनल या एक्सटर्नल बिहेवियर या कैपेबिलिटी जैसे कि हमने अभी जाना और क्षमताओं इंटरेस्ट मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में एग्जेक्ट के साथ या फिर एविडेंस के साथ हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है इसके बिहेवियर के बारे में और आगे हम जानेंगे इसके क्या क्या उद्देश्य हैं इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और मैरिट्स डी मैरिट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि के क्या उद्देश्य है सबसे पहला उद्देश्य है टू ओवरव्यू द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कार्य तथा कारण का संबंध देखना अगर किसी के बिहेवियर uh, में कोई uh, कोई एक्शन आपको दिख, किसी के एक्शन आप ऑब्जर्व uh, कर रहे हो तो इसके पीछे का जो क्या कॉज है या उस बिहेवियर का uh, या उस एक्टिविटी का क्या इफेक्ट रहता है इसको देखना इसको जांचना नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द चेंजेस ऑफ इनर पार्ट्स आंतरिक अंगों के परिवर्तनों का अध्ययन करना इंटरनल जो हमारे पार्ट्स हैं ऑर्गन्स हैं यानी कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ह्यूमन ब्रेन को जानना मनोविज्ञान संबंधी तथ्यों के ज्ञान में वृद्धि करना टू इन्हेंस द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी जो ह्यूमन ब्रेन uh, है उसके बारे में फैक्ट्स और नॉलेज uh, को गेन करना इससे एक्सपेरिमेंट जितने आप करते रहोगे आपको न्यू न्यू रिजल्ट्स मिलेंगे उससे आप न्यू न्यू uh, जो आपको फैक्ट्स हैं वो ज्ञात होंगे नेक्स्ट वी हैव हेयर मेजरमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स तथ्यों की व्याख्या तथा मापदंड करना जो आपके पास फैक्ट्स uh, हैं आपको जो फैक्ट्स मिले हैं uh, इसके माध्यम से उसको आप डिफाइन uh, करोगे और uh, उनकी प्रॉपर मेजरमेंट करोगे कि पर्याप्त है कि नहीं है इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है वी स्टडी हेयर द बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल्स बाय हुम और बाय वी कैन यू नो मेक फोकास्ट और वी कैन टेल अबाउट द थिंग्स हाउ वी कैन कंट्रोल कंट्रोल दैट बिहेवियर ऐसे व्यवहार या फिर उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है इसमें जिनकी सहायता से हम मनु किसी भी मनुष्य के व्यवहार को जान सकें उन प्रिंसिपल्स की सहायता से और उनके बारे में प्रोडिक्शन कर सके भविष्यवाणी कर सके और साथ ही साथ उन्हें किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं इसके बारे में भी हम इसमें पता लगा सकते हैं एंड वेन वी डू दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट और इस तरह की जो भी हम प्रयोग करते हैं इस इसका नाम ही है एक्सपेरिमेंटल मैथड यानी कि प्रयोग के द्वारा की जाने वाली विधि तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं अगर आप एक इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यानी कि प्रयोग के लिए क्या क्या अनिवार्य तत्व हैं उनको जानते हैं सबसे पहला है साइकोलॉजिकल लेबॉरट्री यू मस्ट हैव अ साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स uh, के लिए एक प्रॉपर uh, जो इक्विपमेंट्स हैं साइकोलॉजिकल लैब्स में आपको देखने को मिलते हैं Uh, वो आपके पास होने चाहिए वहाँ पर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटो uh, प्रयोगकर्ता प्रयोगकर्ता अगर नहीं होगा तो कौन एक्सपेरिमेंट करेगा आपके पास लैब भी है लेकिन एक्सपेरिमेंटर नहीं है देन हाउ यू विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट यू हैव मस्ट हैव सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी कि एक uh, सब्जेक्ट्स यहाँ पर कोई सिलेबस वाला सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सजीव परीक्षार्थी यानी कि कोई एक ह्यूमन बींग है जि, जिस पर जिस ह्यूमन बींग पर जिस प्राणी पर आपने एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पर उससे सब्जेक्ट कहते हैं और ये एक भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री में या बायोसाइंस में डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेकिन साइकोलॉजिकल लैब में लाइव ह्यूमन पर क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन या फिर हम बोल सकते हैं मनुष्य के बिहेवियर पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो यहाँ पर सजीव व्यक्तियों की आवश्यकता होती है नेक्स्ट यू मस्ट हैव स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन आपके पास होना चाहिए उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस यानी कि वातावरण की किसी भी ऐसी भौतिक शक्ति से है उसका मतलब जो कि शरीर को काम करने या प्रतिक्रिया करने के लिए आपको स्टिम्युलस प्रोवाइड करता है उत्तेजित करता है जैसे फॉर वेरी यू नो सिंपल एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं अगर आपको बच्चों के uh, से कुछ बात पूछनी होती है तो आप उनको स्टिमुलस देते हैं आप उनको कैंडी देते हैं आप उनको कुछ और लेवर करते हैं कि आप uh, मुझे ये बताओ आप कहाँ गए थे मैं आपको चॉकलेट दूंगी तभी मिलेगी तो दैट इज़ स्टिमुलस तभी वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे सो so, स्टिमुलस होना वहाँ पर ज़रूरी है नेक्स्ट इज़ हेअर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया अनुक्रिया जो है ये एक उत्तेजक की प्रतिक्रिया है इससे व्यवहार में परिवर्तन यानी कि चेंजेस इन बिहेवियर होते हैं आ, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें रिस्पॉन्स यानी कि चेंज इन बिहेवियर जब आप स्टिमुलस देंगे तो उसके बाद होने वाला जो चेंज है बिहेवियर में उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है यानी कि अनुक्रिया ये आप को ऑब्जर्व करनी होती है और इसको आ, ये दर्शनीय होती हैं आप इसमें इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो बिहेवियर में जो चेंजेस हो रहे हैं स्टिमुलस के बाद वही आप इसमें आ, उस रिस्पॉन्स को आप स्टडी करते हैं लास्ट वन इज़ वेरिएबल वेरिएबल्स और हम उसे चर कहते हैं आ, जो वेरिएबल्स यानी कि जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं और या फिर जो ख़ुद से चेंज होने की या फिर किसी भी शेप में खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं जब हम स्टिमुलस uh, को चेंज करते हैं यानी कि उद्दीपन को चेंज करते हैं तो रिस्पांस भी बदल जाता है तो uh, इसको हम एक तरह से स्टिमुलस को ही हम वेरिएबल भी कह सकते हैं और uh, हम किसी स्टिमुलस को हम स्टेबल uh, भी रख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं हम उसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमें डिफरेंट चेंज बिहेवियर में देखने को मिले सो so, ये सारे स्टेप्स आपको आ, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये रिक्वायर्ड या प्रयोग के लिए अनिवार्य सारे तत्व हैं ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने तरह के इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इस विधि में एक्सपेरिमेंटल uh, लैब uh, में एक साइकोलॉजिकल लैब में सॉरी uh, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तीन तरह के किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी कि प्रायोजों की संख्या के आधार पर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसको हम परीक्षार्थी भी कहते हैं परीक्षार्थी की संख्या के आधार पर दूसरा है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एम्स समस्या और उद्देश्यों के आधार पर नेक्स्ट वी हैव हेयर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर वेरिएबल्स यानी कि जो आपके चर हैं वेरिएबल्स यानी कि चर चरों की संख्या के आधार पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स की संख्या है उनके आधार पर इनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है पहला है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और दूसरा है ग्रुप एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट यानी कि व्यक्तिक प्रयोग ग्रुप एक्सपेरिमेंट यानी कि सामूहिक प्रयोग जब हम जो एक्सपेरिमेंट है उसका प्रयोग हम सिर्फ एक प्रयोज्य पर करते हैं यानी कि एक सब्जेक्ट पर करते हैं एक व्यक्ति पर करते हैं तो हम उसको इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट कहते हैं और एक परिस्थिति के बाद हम दूसरी परिस्थिति में डालकर उस सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी कि स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट की और जो पहली आपने जो उनको परिस्थिति में डाला था उसको आप जज करते हैं और फिर दूसरी बार जो दूसरी आप कंडीशन में डालते हैं उसको फिर आप जज करते हैं और दोनों को बाद में डिफ्रेंशिएट uh, करते हैं कि दोनों जो कंडीशन आपने उनको बनाई थी उनमें क्या डिफरेंस आया नेक्स्ट यू हैव हेयर ग्रुप एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम इनकी संख्या बढ़ा देते हैं यानी कि इनको ग्रुप में uh, इनकी स्टडी करते हैं सब्जेक्ट्स uh, की इसको हम uh, दो आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इसमें जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड होते हैं और इसके बाद जो कंट्रोल्ड ग्रुप होते हैं इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फ्री ग्रुप के साथ मिलकर कंट्रोल रहते हैं अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिविजुअल uh, एक्सपेरिमेंट में इंडिविजुअल सब वेरिएबल्स पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनके बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बाद स्टिमुलस uh, के बाद चेक किया जाता है एक कंडीशन uh, के बाद अगली कंडीशन के सामने प्रेजेंट की जाती है दोनों कंडीशंस को कंपेयर किया जाता है दोनों कंडीशंस में उनके में क्या बिहेवियर में चेंजेस आए वो चेक किया जाता है देन इन ग्रुप एक्सपेरिमेंट ग्रुप एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ग्रुप बना दो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एक ग्रुप होता है जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और ये दो तरह से किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो जिन पे आप जो वेरिएबल्स यानी कि सब्जेक्ट्स जिन पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है आ, उनको अलग रखा जाता है बाकी जो बच आते हैं सब्जेक्ट्स उनको फ्री छोड़ दिया जाता है उन पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है कंट्रोल ग्रुप में जो आप ग्रुप बनाते हैं उसके सारे वेरिएबल्स एक्टिव होते हैं यानी कि उन सब पर कंट्रोल रहता है एक तो जिन पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है वो और जो ग्रुप में जो आपने नहीं ली है एक्सपेरिमेंट के लिए उसके अलावा जो होते हैं वो भी शामिल रहते हैं यानी कि कंट्रोल ग्रुप में सारे ग्रुप्स के मेंबर्स पर यानी कि सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल रहता है ओके okay, एक वेरी सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ सपोज बीइंग अ टीचर एक टीचर ने अपनी क्लास के तीन सारे बच्चों को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंड uh, तीनों ग्रुप्स में वो स्टडी करना चाहती है एक्सपेरिमेंट करना चाहती है बिहेवियर को देखना चाहती है कि उनको एक टास्क दिया है और तीनों ग्रुप को सेम टास्क दिया है उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो सेम है एज उनकी सेम है क्योंकि सेम क्लासरूम में है वो उनको एक टास्क दिया जाता है तीन ग्रुप में पहले ग्रुप को जो टीचर हैं वो मोटिवेट करती है उनकी प्रेस करती है सीखते समय से और सेकंड ग्रुप की वो थोड़ी कम प्रेज करती है और थर्ड ग्रुप की वो बिल्कुल भी प्रेज नहीं करती है जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं जिनकी वो प्रेज़ करती है जिनको स्टिमुलस दिया गया है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाते हैं और जिसको इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया है लेकिन उनको कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है वो कहलाते हैं कंट्रोल ग्रुप यानी कि ग्रुप थ्री तो इस तरह से आप डिफ्रेंश कर सकते हैं उसके बाद आप अ टीचर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे और इस तीनों ग्रुप के जो डाटा आपको मिलता है जिस बिहेवियर को आप देख रहे थे कि मोटिवेशन देने के बाद इनमें के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं क्या प्रभाव पड़ता है वो जब आप चेक करोगे आपको पता लग जाएगा तो आप देखोगे कि फर्स्ट टू ग्रुप्स की जो सबसे पहले ग्रुप की बहुत अच्छी आउटपुट है वो जल्दी करेंगे सेकेंड ग्रुप की थोड़ी कम होगी और थर्ड ग्रुप की बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि उनको कोई स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन नहीं मिला नेक्स्ट वी हैव हेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एम्स समस्याओं और उनके उद्देश्यों के आधार पर हम एक्सपेरिमेंट जो कर सकते हैं मैक uh, गुइन एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने इसको चार आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने कहा है कि हम प्रॉब्लम uh, या फिर एम्स के आधार पर एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यानी कि खोजक प्रयोग इसे कहते हैं और ये ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें समस्या के बारे में जो प्रयोग करता है उसको बहुत कम या फिर कम मात्रा में या फिर सीमित ज्ञान होता है द एग्जामिनर और ऑब्जर्वर वीकेंसी और एक्सपेरिमेंटर नोज वेरी लेस नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम सो फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई हैपोथीसिस नहीं निकाल सकते हम कोई परिकल्पना नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मल uh, लैंग्वेज में बोलते हैं आई वंडर वट वुड हैपन इफ आई आई विल गो देअर पता नहीं मुझे कि अगर uh, मैं हैरान होती हूँ कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो क्या होगा वट विल हैपन या फिर uh, अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी तो क्या होगा like this so uh, here examiner or uh, experimenter doesn't know the result next we have here confirmatory experiments yani ki siddh prayog jahan par uh, एक्सपेरिमेंटर को पूरी हाइपोथेसिस uh, यानी कि परिकल्पना होती है या फिर वो अपने अजम्पशन uh, के थ्रू बता सकता है कि इसका क्या रिजल्ट रहेगा Uh, जब हम नॉर्मल uh, लैंग्वेज हम बोलते हैं आई नो आई बेट यू दिस विल हैपन जब हम फुल प्लेज बिलीफ में होते हैं हमें पता होता है देन इट इज़ कन्फर्मेटरी एक्सपेरिमेंट यू नो यू आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट यू विल गेट दिस रिज़ल्ट बींग टीचर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जब आप मोटिवेशन दोगे तो आपको पता होगा कि वट आंसर यू विल वट रिज़ल्ट यू विल गेट सो दिस इज़ द राइट एग्जाम्पल है नेक्स्ट इज क्रूशल एक्सपेरिमेंट्स यानी कि बहुत गहन क्रुशियल एक्सपेरिमेंट गहन प्रयोग ये इस तरह के प्रयोग वो प्रयोग होते हैं जिनमें जो एक्सपेरिमेंटर हैं यानी कि प्रयोग करता है एक या एक से अधिक ऑपोजिट एजम्पन्स को रीड करता है बहुत क्रूशियल है जिसमें उसको बहुत सारी कल्पनाओं यानी कि बहुत सारे हाइपोथेसिस पे काम करना पड़ता है आ, बहुत सारी कल्पनाएं वो बहुत सारे प्लानिंग सोचता है कि मे uh, बी इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट उसको मिलेगा एक फिक्स रिजल्ट की वो परिकल्पना नहीं कर सकता है सो uh, so, uh, इस पर जो बहुत क्रूशियल रहता है, है क्योंकि उसको खुद से पता नहीं है कि वो किस रिजल्ट पर पहुंचने वाला है नेक्स्ट इज पायलट स्टडीज पायलट स्टडीज एज इट इज इन द हिंदी यानी कि पायलट अध्ययन इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट होता है uh, ये जो आप मेन एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे पहले किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट को हम पायलट स्टडीज कहते हैं व्हेन वी डू प्री एक्सपेरिमेंट बिफोर द मेन एक्सपेरिमेंट देन वी कॉल इट पायलट स्टडीज एंड वी कैन गेट हेयर द आइडिया दैट विच प्रॉब्लम्स और विच अप्स एंड डाउन्स वी गोना फेस ड्यूरिंग द मेन एक्सपेरिमेंट यानी कि जब आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान अगर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स uh, आएगी या क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं क्या क्या फेस आपको करना पड़ेगा उसके नॉलेज को पहले से ही अचीव करने के लिए आप पायलट स्टडीज कर सकते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल मैथ स्टडीज भी इसको हम कहते हैं ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर वेरिएबल्स नंबर ऑफ द वेरिएबल्स वेरिएबल्स मीन स्टिमुलस हेयर वी हैव ए टू टाइप्स यूनिवेरिएट एक्सपेरिमेंट एंड मल्टीवेट एक्सपेरिमेंट यूनिवेरिट मीन्स हेयर वेयर यू हैव बोथ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल एंड फिक्स्ड वेरिएबल मतलब कि एक चर्य प्रयोग जहाँ पर आप इस इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट में अध्ययन करता है यानी कि एक्सपेरिमेंटर है वो जस्ट एक फ्री जो वेरिएबल है और एक आश्रित चर के बीच में संबंध का अध्ययन करता है और अन्य सभी चरों को निश्चित करता है नेक्स्ट इज हेयर मल्टीवेरिएट एक्सपेरिमेंट जहाँ पर बहुत सारे यानी कि बहुचर्य प्रयोग होते हैं बहुचर्य प्रयोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं जैसे आ, कुछ एक्सपेरिमेंट में दो या दो से अधिक आ, फ्री वेरिएबल्स होते हैं और बस एक ही फिक्स्ड वेरिएबल होता है और जब कई बार बहुत सारे वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो फ्री वेरिएबल्स होते हैं या फिर दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं मल्टीपल मल्टीपल जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें वो पाए जाते हैं बहुत सारे स्टिमुलस देकर आप स्टडी करते हैं अगर हम बात करें कि किस तरह से हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इसको मैक uh, ग्यूगन ने यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने डिफाइन किया है सबसे पहले हम हैडिंग डिसाइड uh, करते हैं यानी कि शीर्षक बनाते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं uh, उसका क्या टाइटल रहेगा देन सर्वे ऑफ द लिटरेचर साहित्यिक सर्वेक्षण कि जो आप uh, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इससे पहले किसी ने इसके ऊपर काम किया है तो आप उसको भी देख सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं देन प्रॉब्लम uh, समस्या की ओर आप बढ़ते हैं कि आपकी समस्या क्या होती है और uh, आपकी क्या प्रॉब्लम uh, है जिसके लिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं देन नेक्स्ट इज आप uh, परिकल्पना करते हैं कि आप uh, का जो आप किस तरह के वेरिएबल्स लोगे और आप uh, आपको बाद में क्या आप किस तरह के वेरिएबल्स स्टिमुलस लोगे और बाद में आपको क्या रिजल्ट्स uh, मिलते हैं वो हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कहलाते हैं नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स आप वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे फ्री वेरिएबल हैं या फिक्स्ड वेरिएबल हैं स्वतंत्र हैं या नियंत्रित वेरिएबल हैं चर हैं कंट्रोल्ड हैं या फिर फ्री हैं और क्लियरली uh, आप इसको डिफाइन करोगे नेक्स्ट इज़ ऑपरेटर्स यानी कि कौन कौन से उपकरण टूल्स आपने यूज़ किए हैं साइकोलॉजिकल लैब में इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इज हेयर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल चरों का नियंत्रण आपने देखना है कि आपने uh, जो वेरिएबल्स हैं आपके वो किस तरह के रखे हैं कंट्रोल्ड uh, हैं तो कैसे रखे हैं आपने अगर फ्री हैं तो वो कैसे रखे हैं बैलेंस्ड हैं नेक्स्ट इज़ डिज़ाइनिंग uh, यानी कि अभिकल्पना अभिकल्प जब हम कुछ डिज़ाइन करते हैं uh, आप एक्सपेरिमेंट के लिए कोई क्वेश्चनर बनाओगे उनकी एग्जिबिशन के लिए uh, या कुछ और आप प्लानिंग करोगे uh, आगे इन क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होंगे वो सब कुछ आप डिज़ाइन करते हैं देन सिलेक्शन ऑफ असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्रुप्स समूह में प्रयोज्यो यानी कि सब्जेक्ट्स का चयन या फिर निर्देशीकरण जब आप वेरियस uh, ग्रुप्स uh, बनाते हैं तो किस तरह के उनको डायरेक्शंस देते हैं देन नेक्स्ट इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीज़र किस तरह का प्रोसीजर रहता है देन इवैल्यूएशन ऑफ द डाटा जो आपको प्रोसीजर के बाद पूरी इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बाद क्या आपको डाटा मिला है उसको आप इवेलुएट यानी कि प्रदत्तों का uh, आंकड़ों का मूल्यांकन आप करते हो uh, और ये इवैल्यूएशन होता है वो स्टेटिस्टिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होता है यानी कि सांख्यिकीय परीक्षण के बाद आपको जो डाटा है वो मिलता है और फिर आप एविडेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो साक्ष्य प्रतिवेदन इसे हम कहते हैं आ, इसमें जो एक्सपेरिमेंटर है वो स्टेटिस्टिकल एनालाइजमेंट के बाद एविडेंस रिपोर्ट बनाता है यानी कि Uh, जो प्रयोग करता है वो सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर अपनी साक्ष्य जो हैं वो uh, प्रतिवेदन या प्रेजेंट करता है नेक्स्ट इज टू मेक एनफ्रेंसिस फ्रॉम द एविडेंस रिपोर्ट टू द हाइपोथीसिस साक्ष्य प्रतिवेदन से परिकल्पना के लिए अनुमान लगाना uh, जो आपको एविडेंस मिलते हैं उसके बेस पर आप जो हाइपोथेसिस हैं उसको अज्यूम करते हैं नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन सामान्यकरण और जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उनको आप मैक्रो प्रोसेस के थ्रू जनरलाइजेशन के थ्रू एक अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको सामान्यकरण यानी कि आपको फुल प्लेज रिजल्ट मिल जाता है आप उसको सामान्यकरण करते हो आप एक रिजल्ट पर पहुँच जाते हो सो so, मैकगुन मैकगुन या फिर मैकगुगन ने Uh, इस तरह से स्टेप्स बताए हैं एक एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट करने के चलिए बात करते हैं कि uh, प्रयोगात्मक विधि का क्या क्या महत्व है या फिर इम्पोर्टेंस है या फिर मैरिट्स हैं इसकी uh, इसकी क्या क्या uh, महत्ता है मैरिट्स है तो सबसे पहले इसकी मैरिट है बेस्ड ऑन ट्रूथ ये एक सत्यनिष्ठ विधि है इसमें रियलिटी uh, आपने जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था रियलिटी को इसमें चेक किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को इसमें कोई डेड सब्जेक्ट्स uh, नहीं होते हैं लाइव वेरिएबल्स होते लाइव सब्जेक्ट्स होते हैं देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल ये एक इकोनॉमिकल मेथड uh, है यानी कि समय की बचत इसमें होती है स्पेशल आपको किसी तरह की uh, कोई भी कंडीशंस नहीं बनानी पड़ती हैं और uh, uh, आपको एक लैब की ज़रूरत इसमें पड़ती है नेक्स्ट इज़ कंट्रोल्ड ओवर वेरिएबल्स आपका जो वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल रहता है आप जो आपके जितने भी आप एक्सपेर जितने किसी के भी, भी है, जो वेरिएबल्स हैं उनके व्यवहार को यानी सब्जेक्ट्स के जो आप व्यवहार को इसमें चेक करते हो उसमें आपका कंट्रोल रहता है आपके ऊपर डिपेंड करता है हमने पढ़ लिया है डिटेल में कि आप कैसे उनको रखना चाहते हो किस तरह से आप उनको डिवाइड करोगे नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप कार्य परक संबंधों का अध्ययन फंक्शनल रिलेशनशिप इसमें चेक किए जाते हैं फिक्स्ड और अनफ़िक्स्ड फ्री और फिक्स्ड वेरिएबल्स के बीच में हम फंक्शनल uh, रिलेशनशिप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस के बाद नेक्स्ट इज हेयर यूज़ ऑफ सेंसिटिव साइंटिफिक एपरेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हमने बात कर ली है इसमें हम संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों और यंत्रों का प्रयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक uh, uh, प्रयोगशाला में टूल्स uh, यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे एपरेटर्स uh, यूज़ करते हैं जो कि एक मनोवैज्ञानिक uh, प्रयोगशाला में हमें मिलते हैं देन मात्रात्मक अध्ययन यानी कि क्वान्टिटेटिव स्टडी इसमें हम uh, मात्रात्मक अध्ययन करते हैं और uh, नेक्स्ट है हमारे पास रेपिटिशन uh, पुनरावृत्ति इसमें uh, पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक हम चाहें जब तक हम अपने हाइपोथीसिस uh, या फिर अपने रिजल्ट uh, पर नहीं पहुंच पाए नेक्स्ट इज प्री जब तक हमें बिहेवियर uh, में चेंजेस ना मिले नेक्स्ट इज प्रीडिकेबिलिटी यानी कि भविष्यवाणी प्रिडिक जब आप प्रिडिक्शन करते हो प्रिडिक्टि uh, करते हो कुछ भी देन इट इज़ भविष्यवाणी की योग्यता इसमें आप प्रडिक्शन भी हाइपोथेसिस ऑब्वियसली आप बनाते ही हो कर सकते हो आपको कुछ एरियाज़ में आपको नॉलेज हो जाती है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप किस रिज़ल्ट पे पहुँचने वाले हो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी आप कार्य और कारण से संबंधित आंकड़ों का इसमें अध्ययन करते हो यूनिवर्सल यूनिवर्सलिटी मीन्स सार्वभौमिकता इसमें जो डाटाज मिलते हैं या फिर आपको रिजल्ट मिलते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं और नेक्स्ट इज बेस्ट मैथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथीसिस उपकल्पना परीक्षण की श्रेष्ठ विधि है यानी कि जो आपने कल्पना की है उसको टेस्ट करने की ये बेस्ट विधि है इंतज़ार की आवश्यकता इसमें नहीं होती है नो वेट और नो नीड ऑफ वेटिंग आपको साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली रिजल्ट मिल जाते हैं सो so ये सारे इसके गुण हुए लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि की क्या क्या uh, सीमाएं हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके सबसे पहले जो ड्रॉबैक हैं वो है सीमित क्षेत्र लिमिटेड स्कोप है इसमें सिर्फ बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है यानी कि व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते हम uh, ह्यूमन है बिहेवियर करते हैं लेकिन हर तरह human के ह्यूमन बिहेवियर का इसमें हम अध्ययन नहीं कर सकते फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर कोई कम्युनिटी uh, किसी भी कम्युनिटी में कोई कम्यूनल uh, राइट्स uh, या फिर एजुटेशन uh, सांप्रदायिक दंगे या किसी और तरह का कोई भी इ uh, या इलीगल एक्टिविटी हो जाती है हम उसका इसमें स्टडी uh, नहीं करते हैं एजुकेशनल स्टडी हम इसमें ज़्यादातर करते हैं नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल बिहेवियर स्टडी क्योंकि ये नेचुरल नहीं है इसमें स्टिमुलस दिया जाता है सो इट इज़ आर्टिफिशियल नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का अभाव इसमें कंट्रोल नहीं होता है पूरी तरह से uh, एक, जो एक्सपैरिमेंटल uh, है उसका यानी कि जो रिसर्च कर रहा है एक्सपेरिमेंट कर रहा है परीक्षार्थी उसका पूरी तरह से जो आंकड़े हैं उस पर नियंत्रण नहीं होता है या फिर ह्यूमन बिहेवियर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और आ, वैसे भी आ, और जो इसके कारण जो आंकड़े हैं वो प्रॉपर मिले ना मिले ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट जो प्रा, प्रायोज्य हैं यानी कि सब्जेक्ट्स हैं जो जिस पे हम जिनके हम स्टडी कर रहे हैं विद्यार्थी भी बोल सकते हैं हम इनको कई बार वो कॉपरेट नहीं करते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं होता है वो आ, एक फेक अजम्पन ले फेक अपनी आइडेंटिटी या फिर बिहेवियर शो करते हैं देन नेक्स्ट इज वी हैव हियर डिफ़िकल्टी इन साइमल्टेनियस स्टडी एक ही समय में हम uh, दो का, दो स्टडी कर रहे होते हैं वो भी डिफिकल्ट रहता है या हम जब ग्रुप्स में मारते हैं या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को हम ऑब्ज़र्व uh, कर रहे होते हैं नेक्स्ट इज़ वीकनेस ऑफ वेरिएबल्स कई बार हमें वेरिएबल्स uh, की जो वीकनेस है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है और वो हमारे हाथ में नहीं होता है उनकी वीकनेस को ओवरकम करना रिजल्ट हैं वो हमें फेक मिलते हैं उसके बाद um, क्योंकि जो लैब uh, का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सीमित होता है कंट्रोल्ड होता है uh, हो सकता है वहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट ना हो जो नेचुरल परस्पेक्टिव में होता हो वेरी सब्जेक्ट uh, के साथ नेक्स्ट इज अन नेचुरल बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट नेचुरल बिहेवियर ना कर रहा हो आर्टिफिशियल बिहेवियर जानबूझ के uh, कंट्रोल्ड उसमें बैठा हो और कोई रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो स्टिमुलस मिल रहा है फिर भी जानबूझ के कोई रिएक्शन नहीं करना या कोई चेंज ना दिखाना बिहेवियर में नेक्स्ट इज़ कॉस्टली मैथड खचीली विधि है आ, क्योंकि इसमें काफ़ी महंगे उपकरण टूल्स जो कि साइकोलॉजिकल लैब में ही मिलते हैं और एक लैब होना ज़रूरी है इस विधि का प्रयोग करने के लिए इसलिए ये कॉस्टली मैथड है हो सकता है ये हर जगह पर उपलब्ध ना हो नेक्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटर प्रयोगकर्ता की उपस्थिति हो सकता है प्रयोगकर्ता की जो उपस्थिति है वो ना हो या जो परिस्थिति है या सिचुएशन है आ, ड्रेस है या फिर साउंड है हेल्थ है वो उस समय अप्रोप्रिएट ना हो वो भी इफेक्ट करती है नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर सब्जेक्ट्स जब हम इम्प्रॉपर सब्जेक्ट्स uh, का सिलेक्शन करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं प्रॉपर नो पॉसिबिलिटी स्टडी नो पॉसिबल स्टडी ऑफ द वोल ह्यूमन मेंटल एक्टिविटीज़ सारे हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है और uh, हर ह्यूमन uh, का जो ब्रेन है वो एक साथ नहीं होता है तो आप एक तरह से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा सब वैसा ही बिहेव करेंगे जानबूझ के करना अलग बात है लेकिन हर एक माइंड की अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सो so आप नहीं बोल सकते कि यू आर हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ह्यूम्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ह्यूमन की जो ब्रेन uh, की जो पावर है या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो फिक्स्ड नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंस इज ऑलवेज देयर हर बच्चा अपने आप में इनक्रेडिबल है और हर बच्चे में कोई ना कोई, कोई कमियाँ होती है, ही हैं So uh, these are all are the limitations of this method. Make assignments and notes. Today, uh, all we completed our uh, methods of inquiry. Next week, I want your assignment works or notes which you made.